मार्केट में बूचर शॉप में हम लोगों ने कई बार नोटिस किया है कि रेड मीट कट करने के बाद उसे उल्टा हैंग करके रखा हुआ रहता है और हमें ऐसा लगता रहता है कि इसे सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए इस तरह से लटकाया गया है। बट इसका एक साइंटिफिक रीजन है। रेड मीट कट करने के बाद वो बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर होता है, बट धीरे धीरे इसके अंदर के मसल्स जम जाना स्टार्ट होकर ये हार्ड होने लगता है। इस प्रोसेस को रिगर मोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है। इस इफेक्ट को कम करने के लिए मीट को उल्टा टांग दिया जाता है, जिसके कारण ग्रेविटी की वजह से मीट के मसल स्ट्रेच होना स्टार्ट होता है और जो मसल जमने की या सिकुड़ने की प्रोसेस है वो कई हद तक थम जाती है और मीट सख्त मतलब हार्ड नहीं होता। और मीट के अंदर के जो एंजाइम्स है वो भी एज अ टेंडराइजर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, मतलब मीट को सॉफ्ट करने की प्रोसेस में लग जाते हैं। एंड फॉर दिस रीजन रेड मीट को कट करने के बाद उल्टा करके हैंग किया जाता है।